मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसमें डाइवोर्स का मामला किस जुरिस्डिक्शन के न्यायालय में, किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, किस जिले शहर में चलेगा बतलाने जा रहा हूँ। मैंने पूर्व में भी 2-3 तलाक से संबंधित वीडियोस आपके सामने बनाकर रखे हैं। तलाक से संबंधित प्रकरणों में तथा लीगल अवेयरनेस और जानकारी बढ़ाने के लिए कानून की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना आवश्यक है, इस बारे में एक इंग्लिश मैगजीन है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अर्थात कानून की जानकारी नहीं है ऐसा बहाना नहीं बनाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि हिंदू मैरिज एक पवित्र संस्कार के रूप में सप्तपति के द्वारा संपन्न होती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 19 में न्यायालय को क्या जुरिस्डिक्शन होगा, जब से ये परिवार न्यायालय या फैमिली कोर्ट बना दिए गए हैं, ये लगभग सभी जिलों में बनाए गए हैं। इस न्यायालय को पारिवारिक मामलों के विवाद को निराकरण करने का क्षेत्राधिकार दिया गया है और अब सिविल कोर्ट को, सिविल न्यायालय को इन मामलों, पारिवारिक मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं रखा गया है। जुरिस्डिक्शन के मामले में मैं ये बतलाऊंगा कि सिविल कोर्ट को फैमिली मैटर्स करने का राइट नहीं होगा, जबकि फैमिली कोर्ट्स में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जहाँ पर दोनों स्पाउस की मैरिज संपन्न हुई है उस न्यायालय को उस जिले में इन प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा। दूसरा, जहाँ रेस्पोंडेंट अर्थात प्रतिवादी के रूप में चाहे वो स्पाउस, हस्बैंड हो या वाइफ हो, निवास कर रहा है, उस न्यायालय के फैमिली कोर्ट को भी इस मैट्रिमोनियल प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा। या लास्ट स्पाउस जहाँ टुगेदर साथ साथ रहें उस जगह के न्यायालय को सुनवाई का अधिकार होगा। यदि पत्नी पिटिशनर के रूप में है तो जहाँ वो निवास कर रही है उस जिले के फैमिली कोर्ट को भी इन प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा। इसके अलावा यदि विदेश में स्पाउस रह रहे हैं, पति पत्नी, तो वे इन मैट्रिमोनियल केसेस को वहाँ लगा सकते हैं, या 7 वर्ष से उनका कोई अता पता नहीं है तो वह उस जगह भी इन मामलों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें जो भी फैमिली कोर्ट में मामले चलते हैं, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियोस में आपको बतलाया है कि जहाँ पर दोनों पक्ष आइदर स्पाउस यानि पति या पत्नी दोनों आपसी सहमति से या म्यूचुअल कंसेंट से ये तैयार हो जाते हैं कि अब हमको एक साथ नहीं रहना है, किसी स्थिति में हमारा निर्वाहन या एक साथ निर्वाह संभव नहीं है, तो अंतिम स्थिति ये पहुँचती है कि वो म्यूचुअल कंसेंट से सबसे सामान्य तरीके से दोनों पक्ष कागजों को तैयार कराकर कोर्ट के समक्ष जाकर फर्स्ट मोशन में कोर्ट उनकी जांच करता है और 6 महीने की पेशी देकर सेकंड मोशन में यदि किसी तरह से उनका आपसी निर्वाहन संभव नहीं है तो उनको डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की डिग्री दे देता है। दूसरा एक अदर अल्टरनेटिव मेथड ये है कि यदि अन्य कुछ ग्राउंड्स जो तलाक के मैंने दूसरे वीडियोज में भी बतलाए हैं, पति जैसे इम्पोर्टेंट है या डिजर्शन है, 2 साल से उसने त्याग दिया है अपनी पत्नी को, उनमें कोई कोविटेशन नहीं हुआ है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, एक साथ नहीं रह रहे हैं, है ना, ऐसी परिस्थितियों में वो डाइवोर्स के लिए पति या पत्नी फैमिली कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। डिजर्शन और क्रुएल्टी के अलावा डोमेस्टिक वायोलेंस आदि की स्थिति में भी एक दूसरे से कोई भी पक्ष तलाक ले सकता है। 7 साल तक उनमें संन्यास हो गया है या उसका रिनाउंस दी वर्ल्ड, उसने संसार त्याग दिया है, कोई अता पता नहीं है, तो तलाक का एक ये विभिन्न आधार हो सकता है। दूसरा, कोई क्रुएल्टी करता है, एक दूसरे के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, तो ये तलाक का आधार हो सकता है। इसके अलावा अन्य ग्राउंड में उसके कोई कोढ़ आदि हो गया है या कोई मिनरल डिजीज है तो भी वह एक दूसरे से तलाक ले सकता है। फैमिली कोर्ट के ऑर्डर होने के कंटेस्टेड केस में उसके पश्चात 30 दिवस के अंदर इन प्रकरणों में जो अवार्ड फैमिली कोर्ट का या आदेश आता है उसके विरुद्ध आप अपील में जा सकते हैं।
इसके अलावा सिविल कोर्ट वगैरह में यदि कोई ऑर्डर होता था तो 90 दिन में जाने का प्रावधान है। डाइवोर्स की पिटीशन शादी हुई उसके 1 वर्ष के पश्चात ही लगाई जाती है। कोई विशेष कारण होने पर न्यायालय को अवगत कराने पर न्यायालय फैमिली कोर्ट उसको 1 वर्ष के पहले भी कोई एक्सेप्शनल हार्डशिप होने पर कंसीडर कर सकता है। ये उनको पिटीशन के साथ अलग से एप्लीकेशन में बताना होगा कि ऐसी विशेष परिस्थिति है कि हम आगे निर्वाह नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, तो उसको कोर्ट कंसीडर कर